पाक में गृह युद्ध के हालात। इमरान की गिरफ्तारी के बाद हालात बेकाबू। क्या चीन के इशारों पर हुई इमरान खान की गिरफ्तारी? क्या वाकई पाकिस्तान का वजूद मिटने वाला है? पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात बने हुए हैं, तो वहीं इमरान की गिरफ्तारी से पाकिस्तान की राजनीति में भी घमासान मचा हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इमरान की गिरफ्तारी के पीछे किसका हाथ है, या आखिर वो कौन से कारण हैं जिस वजह से इमरान खान को कोर्ट परिसर से ही गिरफ्तार कर लिया गया? चलिए बताते हैं आपको पूरा मामला, जिस वजह से इमरान को सलाखों के पीछे जाना पड़ा। यह पहली बार नहीं है कि पाक में किसी बड़े नेता की गिरफ्तारी हुई। इस फहरिस्त में कई नाम शामिल हैं, जिसमें जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ समेत कई लोग हैं जिन्हें पाकिस्तान की सैन्य हुकूमत ने पहले गद्दी दी और बाद में जेल की सलाह दी। काफी समय से अस्थिर चल रहे पाकिस्तान में एक बार फिर से वही हालात हो गए जो कभी नवाज शरीफ के दौर में थे। माना जा रहा है कि इमरान की गिरफ्तारी के पीछे दो प्रमुख कारण सामने आ रहे हैं। पहला, पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल का आरोप है कि इमरान ने मलिक रियाज नाम के बिल्डर को 190 मिलियन पाउंड दिए थे, बाद में उन्हें यह राशि ब्रिटिश अधिकारियों को देना पड़ा ताकि इसकी जांच की जा सके। यह पैसा पाकिस्तान की किसी आय से था या नहीं? 2021 में ट्रस्ट को यूनिवर्सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए का दान मिला। जब पाकिस्तानी मीडिया ने इसका खुलासा किया तो ट्रस्ट को 180 मिलियन पाकिस्तानी रुपए प्राप्त हुए, जबकि रिकॉर्ड में सिर्फ 8.52 मिलियन रुपए का खर्च दिखाया गया। तब यह घोटाला सामने आया। वहीं दूसरी तरफ इमरान की गिरफ्तारी के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सन्नाउल्लाह ने दावा किया कि इमरान खान को अला कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस केस में इमरान और उनकी पत्नी बुशारा बीबी पर मनी लॉन्ड्रिंग कर प्राप्त की गई 50 अरब रुपए की राशि को वैध बताने के लिए एक रियल एस्टेट फर्म का इस्तेमाल करने का आरोप है। लेकिन वैश्विक लिहाज से बात की जाए तो इमरान की गिरफ्तारी में इंटरनेशनल एजेंडा भी सामने आ रहा है। माना जा रहा है कि इमरान की गिरफ्तारी के पीछे पाकिस्तान की सेना को चीन ने इशारा दिया था। दरअसल चीन के विदेश मंत्री किन गांग के पाक दौरे के दौरान इस्लामाबाद में दिए एक बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। किन गांग ने कहा, स्थिरता विकास का आधार है, एक पड़ोसी और मित्र के नाते हम पूरी ईमानदारी से आशा करते हैं कि पाकिस्तान में राजनीतिक ताकतें आम राय बनाएंगी और स्थिरता को बरकरार रखेंगी। चीन के विदेश मंत्री इस बयान को पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की तरह देखा जा रहा है। चीन के विदेश मंत्री के बाद रक्षा मंत्री भी पाकिस्तान पहुंचे थे और उन्होंने CCEP में हो रही देरी पर नाखुशी जताई थी। पाकिस्तान विश्लेषकों का यह कहना है कि यह चीन की नीति रही है कि वह किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करे। उनका कहना है कि चीन अगर ऐसा बयान देता है तो यह दर्शाता है कि हमारा देश किस तरह के तूफान का सामना कर रहा है। चीन के विदेश मंत्री के इस्लामाबाद से स्वदेश जाते ही पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया था। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश टीवी।